इस लॉकडाउन ने ना एक चीज सिखा दी, जितना यू आर डिपेंड। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। Sir, when we will start our
गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? नो. यस सर. यस सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. Everybody is ready for class. Everybody mute. Everybody mute. Now my voice is clear. Yes, sir. Okay, Girik, how are you? I'm fine. Aradhya, how are you doing? What, sir? Are you practicing? Yes, sir. Kal maine ek naya gana seekha piano pe. Acha, acha. I know. Ruk jao, ruk jao. Break. Ruk jao. Okay. Tejas ji, how are you? Which piano do you have? It's like Yamaha. Okay. What is Yamaha? Yamaha is a name of keyboard. Akshat Vashishth. Akshat Vashishth ka bhi keyboard badhiya hai. Okay. Vidisha Sinha. How are you? Fine, sir. Okay. Do you play something on your keyboard? No, sir. No. Okay. Arohi, are you practicing these days? Yes. Okay. Vihan Sharma. What do you play? Sir, I have learned a little about the Alankars in Hindi. Okay. Very good. Alankar is very important. Sargam is very important in any type of music that you play. Let me talk to the all the other students also. Arishna, am I right, Arishna? Okay. You are also a beginner or you already play something? Okay, what do you play? Songs. Okay, which song? Faded. Oh. Okay, and which other song do you play? Prisha Doshi, how are you? I'm fine, sir. Good. Which songs do you play on your keyboard? Which one? Sir, Behti Abasa Tha Wo. Acha. Good. Okay. Vidhi, how are you doing? Sir, I'm doing fine. Do you practice every day? Sir, the exam has come, so I have not practiced some days. Okay. Okay, when I teach you some lessons in the class, after that, try to practice every day, okay? Everyone should take some time, minimum 20 minutes. कम से कम 20 मिनट्स घड़ी में देख के ऐसे देखो 20 मिनट्स हो गए तब तक प्रैक्टिस करो. ओके. और कौन है हमारे साथ? है अदिति एंड रिदम कौर एंड निशा. नहीं, नाइशा. ओके, नाइशा.
ओके गुड। आप सबके पास वो शीट है जो मैंने आपको भेजी है आज? किसके पास नहीं है? जो मैंने ग्रुप में भेजा है वो सबके पास है? ओके जिसके पास भी, जिसके पास नहीं है मैं ग्रुप में एक बार फिर से भेज रहा हूँ, ठीक है? अपना किड्स ग्रुप, पियानो ग्रुप जो है उसमें मैं एक बार फिर से वो फाइल्स भेजता हूँ। तो उसको आप मोबाइल में खोल लो, किसी दूसरे मोबाइल में भेज के उसमें ओपन कर लो उसको, प्रिंट आउट नहीं भी निकलता है तो। जस्ट वन मिनट देन वी विल स्टार्ट। देखो मैंने भेज दिया, तो अब मैं आपको बता रहा हूं आज हम क्या करने वाले हैं। जो बच्चे हमारे साथ पिछले बैच में थे पिछले मंथ, उनको पता है हमने सीखा था सी डी ई एफ से गाने कैसे प्ले करेंगे, राइट? किस किस को हिंदी समझ में नहीं आती ऐसे हाथ उठाओ। सबको समझ में आती है? यस। ओके तो आज हम सीखेंगे सारे गामा। यानी फन के लिए यहाँ परफॉर्मेंस सब वो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आज हम सीखेंगे कि सारे गामा से सॉन्ग्स कैसे प्ले करने हैं। ओके तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आए, आप मुझसे बात करना चाहें तो आप अपना माइक म्यूट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ऐसे हैंड रेज करना है, या फिर आप वो जो डिजिटल हैंड रेज करते हैं ना इसमें, वैसे वाला अगर आपको आता है तो वो कर सकते हैं। फिर मैं आपसे बात करूंगा, आपको मैं म्यूट कर दूंगा, अनम्यूट कर दूंगा, सॉरी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कीज के ऊपर, कीबोर्ड की कीज पे सारे गामा कैसे बजाते हैं। ओके मैं आपको कीबोर्ड दिखाऊंगा यहां से, ये आपको दिख रहा है कीबोर्ड? सबको दिख रहा है? ओके गुड। ओके तो अभी हम देखिए आपको आज सारे गामा इस नोट से स्टार्ट करना है, तो इसको बोलेंगे हम सा, इसको बोलेंगे रे, इसको बोलेंगे गा, इसको बोलेंगे मा, इसको बोलेंगे पा, धा, नी, सा। कुछ बच्चों को ये ऑलरेडी आता भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप मेरे से इसको ध्यान से इसको देख लीजिए जो मैं बता रहा हूं। तो जब हम इसको बजाएंगे, अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, पहले आप सुन लो। जब इसको हम प्ले करेंगे तो इसका साउंड ऐसा आएगा, कितने नोट्स हैं? सा रे गा मा पा धा नी सा, टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? इन्हीं नोट्स में जब हम कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उससे गाना बजता है। कैसे गाना बजता है? जैसे अगर मैं बजाऊं पा गा सा रे रे गा गा सा रे रे गा गा सा, ठीक है? या फिर कुछ भी गाना आप बजा सकते हो, राइट? तो अभी मैं आपको ये याद कराऊंगा कि कौन सा नोट का क्या नाम है, ठीक है? पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाने वाला हूं अभी, जस्ट लेट मी
आपको स्क्रीन पे सॉरी ये देखो स्क्रीन पे, एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग द विंडो इज इनवैलिड. अच्छा व्हाट इज हैपनिंग. देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, लिखा हुआ दिख रहा है. इसमें जो ब्लैक नोट्स हैं वहां पे लिखा हुआ है एस आर, उसके बाद जी एम पी डी एन एस. ओके, तो ये जो मैंने हाईलाइट किया ब्लैक नोट, इसको बोलेंगे सा. सा प्ले करो. कैन यू प्ले दैट सा ऑन योर कीबोर्ड? यस यस, नाइशा ने बिल्कुल सही पकड़ा उसको और आराध्या ने भी सही पकड़ा है. लेट मी चेक अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. जो मैंने हाईलाइट किया है, यस विदिशा ने भी सही बजाया. तेजस आप बजाओ. यस करेक्ट. गिरिक ऑल्सो नोज. विधि एंड नाइशा एंड विहान. हाँ प्रिशा ने भी ठीक बजाया. ओके सब बच्चों को समझ में आ गया. गुड. तीशा ओके एंड और कौन है? बस ठीक है, सब बच्चों ने सही बजाया. तो ऐसे ही इस चार्ट को देख के आप इस पूरे सा रे गा मा पा धा नि सा को अभी मेरे साथ प्ले करेंगे. पहले हम नेक्स्ट नोट प्ले करेंगे. नाउ प्ले दिस रे. प्ले रे. वेरी गुड वेरी गुड. नाउ प्ले गा. जो गा है वो व्हाइट नोट पे है. ठीक है, जो गा है वो व्हाइट नोट पे है. कौन सा व्हाइट नोट है? बजा के दिखाओ. वेरी गुड, कुछ बच्चों ने सही बजाया. जस्ट प्ले गा. यस यस, मैं देख रहा हूं सबको बजाते रहो. ओके विदिशा आप शायद सही प्ले नहीं कर रहे हो. सेकंड वाला और नेक्स्ट वाला व्हाइट नोट प्ले करो. नेक्स्ट वाला. चलो मैं अभी आपको दिखाऊंगा इस पे, अपने कीबोर्ड पे दिखाऊंगा. ओके अब देखो ये तीन जो ब्लैक नोट है एक साथ, उन तीन ब्लैक नोट्स पे है मा पा धा. ठीक है, अब वो मा पा धा प्ले करो जो तीन ब्लैक नोट एक साथ हैं. एवरीवन प्ले मा पा धा. एम पी डी लिखा है ना, वो है मा पा धा. आराध्या इज नॉट प्लेइंग. वाई? विधि ने ठीक बजाया. नाइशा ने ठीक बजाया. प्रिशा ने ठीक बजाया. विहान ने ठीक प्ले किया. गिरिक ने ठीक प्ले किया. यस तेजस ने ठीक प्ले किया. अक्षत वेरी गुड. विदिशा गुड. आरोही गुड. एक मिनट अभी पहले मैं पूरा कर लूं फिर सबसे मैं बात करूंगा. अभी आप बजाओ नी. अब नी ढूंढो अपने कीबोर्ड पे और बजाओ. ये जो मैंने हाईलाइट किया देखो उसको. मापा धा से आगे व्हाइट नोट एंड देन नेक्स्ट व्हाइट नोट. यस करेक्ट. और अब ध्यान से देखो स्क्रीन पे, ये वाला जो सा है ब्लैक नोट उसके ऊपर एक डॉट लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हायर सा. हायर मतलब ऊंचा. ठीक है, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये चार्ट बहुत जरूरी है आपके लिए. जब भी आपको ना समझ में आए कि कौन सा स्वर कौन सा है, तो आप इस चार्ट को अपने पास रखना, उसको देखना, आपको समझ में आ जाएगा सा कौन सा है, रे कौन सा है, गा कौन सा है. आगे कुछ और भी नोट्स आएंगे वो भी इस पे लिखे हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट. आरोही प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ. हेलो,
hand was hurting? My wrist was hurting. My wrist was feeling good. Next time you keep your keyboard low or your seat high. Okay, and little behind, backwards. Aradhya, unmute karo. Excuse me, sir, ye mereko aata hai kya main aapko bacha kar dikhau? नहीं अभी नहीं, अभी एक बार सबसे मैं चेक कर रहा हूँ. किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछना जो अभी मैंने सिखाया उसके रिगार्डिंग? नो. ओके, अभी हम इसी को प्रैक्टिस करेंगे. अब देखो वही चीज मैं आपको अपने कीबोर्ड पे दिखा रहा हूँ. दिस इज माय कीबोर्ड, कैन यू सी? दिस इज माय राइट हैंड. ओके, अब देखो इसमें जो ब्लैक नोट का स्ट्रक्चर है वो सेम होता है. दो ब्लैक नोट्स एक साथ, थ्री ब्लैक नोट्स एक साथ, दो ब्लैक नोट एक साथ, थ्री ब्लैक नोट एक साथ, दो तीन दो तीन. तो पहले ये दो ब्लैक नोट एक साथ आप बजाओगे तो क्या साउंड आएगा? सारे सारे. इसको हमेशा आपने इस हैंड पोजीशन से बजाना है, फिंगर नंबर टू एंड थ्री. फिंगर नंबर पता है आपको? थम इज वन. एवरीबडी प्लीज लर्न, थम इज वन टू थ्री फोर एंड फाइव. ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव. और अगर लेफ्ट हैंड से बजाते हैं, दिस इज माई लेफ्ट हैंड, तो भी वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे ही होता है. तो टू थ्री से आपको सारे बजाना है. बजाओ सारे टू थ्री से. अब ऐसे ऐसे अपने थंब को नीचे से लेके जाओ ऐसे, और गा, ये गा है, इसको बजाओ गा. यस, नीचे से ऐसे सारे, और ये थंब नीचे से गा. और मा पा धा ऐसे बजाओ, मा पा धा. फिंगर नंबर टू थ्री फोर से, टू थ्री फोर. मेरे हैंड को ध्यान से देखो, यही ऐसे ही आपको भी बजाना है. मा पा धा, तीनों ब्लैक नोट्स एक साथ विद फिंगर नंबर टू थ्री एंड फोर. एंड फिर से थंब नीचे से जाएगा और नी पे ऐसे प्ले होगा. नी नी भी एक वाइट नोट है. नाइशा नी प्ले करो, नी. देखो ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं. मा पा धा ऐसे बजाओ, ब्लैक नोट्स बजाओ वन बाय वन, प्ले करो उसको. और उसके बाद ऐसे नीचे से ये नोट नी है. यस, इसको प्ले करो. यस, नहीं गलत प्ले कर रहे हो. एक और नेक्स्ट, नेक्स्ट वाइट, एक आगे वाला वाइट. यस, दिस इज नी. ओके, और फिर नेक्स्ट ब्लैक नोट सा. ठीक है, अब आप सभी इस वाली शीट को देख के, ये जो शीट आपके पास है ऐसी वाली, इसको देख के ये नोट्स प्ले करो. एस आर यानी सारे, जी एम यानी गा मा, पी डी मतलब पा धा, एन मतलब नी, और एस मतलब सा. गोइंग अप एंड डाउन, बस यही नोट्स प्ले करने हैं आपको. सारे गामा पाधा नीसा सानी धापा मागा रेसा ऐसे. और याद रखना है, जब भी गा आएगा तो वो एक वाइट नोट है, जब भी नी आएगा वो एक वाइट नोट है, और सा. मैं देख रहा हूं कौन कौन प्ले कर रहे हैं, किस किस को याद नहीं है, मैं देख रहा हूं. चलो स्टार्ट. आराध्या नी पे थंब रखो अपना. तेजस हैंड, आप हैंड हमको थोड़ा लूज रखना होता है, इतना टाइट मत रखो. हैंड को पहले लूज करो फिर बजाओ, ऐसे आराम से बजाओ. डोंट कीप योर हैंड वेरी टाइट.
अक्षत जी बजाइए, सुनाई बजा के दिखाइए मुझे। यस यस वेरी गुड, थम ऑन नी। यस विदिशा यू आर नॉट प्लेइंग, राइट हैंड ओनली, राइट हैंड। राइट हैंड प्ले करो। यस विदिशा अनम्यूट करो। सर आई एम लेफ्टी। अच्छा यू आर लेफ्टी, देन प्ले विद द राइट हैंड, नो प्रॉब्लम, योर राइट हैंड विल इंप्रूव स्लोली स्लोली। ओके सर। हाँ हाँ, डजंट मैटर, डजंट मैटर इफ यू आर लेफ्टी, देन डजंट मैटर, यू कैन प्ले पियानो विद राइट हैंड वेरी वेल। ट्राई करो, कोशिश करो, जैसे मैंने अभी बताया। आरोही इज प्लेइंग, आई कैन सी। आरोही नी पे थंब रखो, गा पे थंब रखो। अभी सब प्ले करो, अभी कोई हैंड रेज नहीं करेंगे, अभी कोई हैंड रेज नहीं करेंगे, अभी सब प्ले करो। नो हैंड रेज, हैंड ऑन द पियानो नॉट इन द एयर। अरिश्ना, अरिश्ना फिंगर नंबर देखो, फिंगर नंबर जैसे मैं बजा रहा हूं ना वैसे बजाओ। अब मैं एक बार एक और फिंगर नंबर आपको दिखा रहा हूं, देखो देखो, जो मैंने आपको एक और शीट दी है, आप लोग उस शीट को देखो, सभी बच्चे एक बार स्क्रीन पे देखें ध्यान से। मैंने आपको ये वाली एक शीट दी है, ठीक है। इस शीट पे ये जो ये लिखा है ना, सारे गामा पाधा नीसा, ठीक है, ये सारे गामा पाधा नीसा, ये जो सारे गामा पाधा नीसा, आपको राइट हैंड के ये फिंगर नंबर लिखी हुई है, ऐसे प्ले करना, यानी 2 3 1 2 3 4 1 2। अगर आप भूल जाओ ना कौन सी फिंगर से प्ले करना है, तो सा पे राइट हैंड, आर एच मतलब राइट हैंड, 2 3, रे पे 3, फिर गा पे उसके ऊपर लिखा हुआ है। अभी लेफ्ट हैंड में नहीं बता रहा हूं आपको, आप बस राइट हैंड की ये ऊपर इसको पढ़ के प्रैक्टिस करो। देखो क्या लिखा है, 2 3 1 2 3 4 1 2 2 3 1 2 3 4 1 2। तो अब देखो मैं क्या बजा रहा हूं, दिस इज माय राइट हैंड, 2 3 1 2 3 4 1 2, ठीक है। अब मैं बोल भी रहा हूं नंबर धीरे धीरे, 2 3, इतना प्ले करो सारे पे, 2 3 2 3, थम ऑन 1 1, गा 2 3 4, मा पा धा 2 3 4, नी पे 1 एंड सा पे 2। और आपको जब उल्टा प्ले करोगे तो ऐसे बजाते हुए ही उल्टा प्ले करना है, ऐसे यू, यही सेम हैंड पोजीशन यूज करते हुए आपको ये बजाना है, सा नी धा पा मा गा रे सा। करो, प्रैक्टिस करो। चलो अब मैं आपसे वन बाय वन सुनूंगा। सबसे पहले तीशा से सुनते हैं। तीशा अनम्यूट। सर कैन आई स्टार्ट? प्री ऑर्डर। अरे ये ले लो, बढ़िया ले लो। वेरी गुड, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सुनाएंगे? गिरिक आप सुनाओ, अभी मैं सबसे सुनूंगा, रुको, प्रैक्टिस करो, इसीलिए सब लोग प्रैक्टिस करो, अभी सबसे सुनूंगा। वेरी गुड, गिरिक ने भी अच्छा बजाया। विधि अनम्यूट। हाँ।
एक बार फिर प्ले करो. आर यू प्लेइंग राइट हैंड और लेफ्ट हैंड? राइट हैंड. अच्छा मैम, सर राइट एंड लेफ्ट बोथ आई एम प्लेइंग. अच्छा ठीक है. ओके 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 ओके. और कौन प्ले करके दिखाएंगे मुझे? आरोही प्ले करो. आराध्या प्लीज वेट, आई एम कमिंग टू यू ऑल्सो, प्लीज वेट. हैंड पोजीशन वही है ना आपकी? ठीक है ठीक है ठीक है, हैंड पोजीशन वही रखनी है. ठीक है अक्षत, अनम्यूट एंड प्ले. हाँ वेरी गुड, लेकिन ऐसे प्ले करो, रिदम ये रखो, देखो ऑल इक्वल. ठीक है अब किसको कुछ पूछना है? प्रिशा अनम्यूट प्लीज. अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कुछ बच्चों के क्वेश्चन. कैन आई शो माइन? यस प्लीज. यस वेरी गुड. सब बच्चे ध्यान से सुनो, जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने माइंड में बोलते रहना है, गाते रहना है ऐसे, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, तो और अच्छा है. आराध्या अनम्यूट करो. सर कैन आई प्ले? यस प्लीज. ओके सर. ओके ठीक है गुड. एनी क्वेश्चन एनीवन? एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? तेजस एनी क्वेश्चन? अरिशाना, विदिशा, नाइशा एंड प्रिशा, विहान. अच्छा अदिति, अदिति वॉज सेइंग समथिंग. ओके अदिति अनम्यूट. सर कैन आई प्ले? यस प्ले. ओके गुड. ओके इसको अदिति प्लीज म्यूट योरसेल्फ. यस ओके. सभी बच्चों को समझ में आ गया? किसको समझ में नहीं आया अभी बताओ? किसको समझ में नहीं आया सारे गामा पादा नीसा? ठीक है अब मैं आपको कुछ ग्रुप ऑफ नोट्स बताऊंगा. वो ग्रुप ऑफ नोट्स आपको रिपीट करने हैं बजा के. ठीक है नाइशा जैन अनम्यूट. कौन सा? सी शार्प. सी शार्प ये है? हाँ वो अभी याद मत देखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे. आप खाली सारे गामा से समझो उसको. देखो ये वाली जो शीट है ना, जो ये वाली शीट है उसको देखो और जहाँ पे सारे गामा लिखा है उसको देख के उसको प्ले करो. okay, हाँ एस मतलब सा, आर मतलब रे, जी मतलब गा, एम मतलब पा. ठीक है चलो अब मैं एक चीज बजाऊंगा फिर उसके बाद सारे उसको प्ले करेंगे. नाउ प्ले सा रे गा. जस्ट थ्री नोट्स. एवरीबडी प्ले सा रे गा.
very good. Sarega. This is sa, this is re, this is ga. Now play re ga ma. Re ga ma. Re ga ma. Re ga ma. Now play ga ma pa. Ga dhundo, ma dhundo, pa dhundo. This is ga. This is ma. This is pa. So hum baja rahe hain ga ma pa. Now play ma pa dha. Ma pa dha. This is ma. This is pa. This is dha. Ma pa dha. Very good. Now pa dha ni. Pa dha ni. Pa dha ni. Pa dha ni. And dha ni sa. Dha ni sa. ठीक है, एक बार फिर से करेंगे. सा रे गा, रे गा मा, रे बजाओ, गा बजाओ, मा बजाओ. गा मा पा, गा मा पा. मेरी हैंड पोजीशन को देखते रहो, आपको पता चलेगा कौन सा नोट है. मा पा धा, मा पा धा, तीनों ब्लैक नोट्स. पा धा नी, पा धा नी, एंड धा नी सा. ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वन टू थ्री, 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 ऐसे प्ले कर रहे हैं. इसको आप कंटिन्यू भी प्ले कर सकते हो. सा रे गा, रे गा मा, गा मा पा, मा पा धा, पा धा नी, धा नी सा. ओके, एक बार प्ले करो, मैं एक बार देखता आप कैसे प्ले कर रहे हो. सा रे गा, प्ले सा रे गा, एवरीबडी प्ले सा रे गा, सा रे गा. दिस इज सा, दिस इज रे, दिस इज गा. ये जो दो ब्लैक नोट एक साथ हैं, यहां से सा स्टार्ट होता है. सा रे गा, रे गा मा, रिशाना इज नॉट प्लेइंग, वाई प्ले रे गा मा, गा मा पा, नाइशा गा आप गलत प्रेस कर रहे हो. गा यहां पे देखो, ये जो जहां पे मा है उसी के साथ गा है. गा मा पा, यस यस, गा मा पा, मा पा धा, ये मा पा धा है. ये आपको याद करना है, ठीक है, ये पोजीशंस आपको याद करनी है कि कहां पे गा बजेगा, कहां पे धा बजेगा, कहां पे पा बजेगा. पा धा नी, प्ले करो पा धा नी, पा धा नी, यस, एंड धा नी सा, धा नी सा, विदिशा धा नी सा. ठीक है, अब इसको कौन प्ले करके दिखाएंगे. सबसे पहले चलो गिरिक से सुनते हैं. पहले गिरिक ने बहुत जोर से हाथ उठाया, इसलिए मैंने गिरिक को पहले
चांस दिया है बजाने का. Very good. Okay, now Vihan will play. Vihan. Yes, sir. Very good. Very good. Okay. Okay. और कौन प्ले करेंगे? और कौन प्ले करेंगे? आरोही प्ले करो. आरोही प्ले करो. बाकी सब म्यूट प्लीज. सब म्यूट प्लीज. यस चलो अब हम सुनते हैं और किससे. तेजस आर यू रेडी? तेजस आर यू रेडी? अनम्यूट एंड प्ले. पहले अनम्यूट करो क्योंकि मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा नहीं तो. बाकी बच्चे प्रैक्टिस करते रहे, सबका नंबर आएगा. रिलैक्स, एवरीबॉडी विल हैव चांस. वेरी गुड. सारे गा बजाओ. सारे गा. रे गा मा. यस वेरी गुड. सही बजा रहे हो आप. और कौन प्ले करेंगे? चलो आराध्या से सुनते पहले. आराध्या. ओके सर. ओके सर. थम थम गा पे थम. नी पे भी थम. ओके सर. गा और नी पे थम बजाना है. ठीक है आप ठीक बजा रहे हो. वेरी गुड. करेक्ट करेक्ट. आराध्या यू आर प्लेइंग करेक्ट. अदिति अनम्यूट. Aditi is playing very well. Now Prisha. Prisha unmute. Very good. अब विधि. विधि प्ले करो. वेट सर. वेदा. वेट सर. विधि व्हाट हैपन? पियानो सेटिंग्स हैज चेंज. अच्छा. करेक्ट. ठीक है चलो. अरिशा अनम्यूट.
रिशाना, सॉरी रिशाना अनम्यूट। वेरी गुड। ठीक है, अभी मैंने आपको एक और शीट भेजी है जिसमें ये अलंकार लिखा हुआ है नंबर वन पे। ठीक है, तो आप उसको भी प्ले कर सकते हो, उसको देख देख के, उसमें सारेगा रेगामा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नंबर वन अलंकार आपको प्रैक्टिस करना है, आप नोट कर लो अपनी बुक में। आपको जो शीट भेजी है उसमें से अलंकार नंबर वन एक अलग से अभी 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 भेजा मैंने 2 मिनट पहले, उसको प्रैक्टिस करना है आपको। नंबर वन वो है सारेगा रेगामा गामा पा मापा धा। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक गाने की लाइन स्टार्ट करवा रहा हूं। उस गाने का नाम है हवाएं। ठीक है, देखते हैं आप लोग बजा पाते हैं कि नहीं। आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपने सुरों को सारेगामा को कैसे सीखा है। और मैं आपको वो इस पे दिखाता हूं पहले स्क्रीन पे कि वो कैसे बजेगा। एवरीबडी लुक एट माय स्क्रीन, आई एम शोइंग यू सम नोट्स। दिख रहा है आपको आराध्या? दिख रहा है? यस, ओके। अब देखो ये सॉन्ग लिखा है हवाएं। ये आपको जब मैं गाऊंगा बजाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सॉन्ग है। तो ये होते हैं वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं। क्या लिखा है? तुझको मैं रख लूं वहां, ये वर्ड्स है गाने के। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है? पी एम जी जी एम जी आर, व्हाट इज दिस? कोई बता सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है? ये है, मैं बता देता हूं ये है गाने के नोट्स जो आपको अपने कीबोर्ड पे प्ले करने हैं। ठीक है, तो अब इसको देखो ध्यान से। जब मैं बोलूंगा पा मा गा तो आप ये बजाओगे, पी फॉर पा, एम फॉर मा, जी फॉर गा। तो आपके लिए ये पी एम जी नहीं है, आपके लिए ये क्या है? पा मा गा, इस चीज को समझ लो। उसके बाद गा मा गा रे, दिस इज गा मा गा रे, नॉट जी एम जी आर, गा मा गा रे। एक चीज और, जब किसी नोट के नीचे, एवरीबडी प्लीज म्यूट, जब किसी नोट के नीचे डॉट आपको दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, डी के नीचे डॉट दिख रहा है सबको, तो वो आपके सा से लेफ्ट साइड वाला डी होगा। ठीक है, और अगर किसी नोट के ऊपर डॉट दिखेगा तो वो उससे ऊपर वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एक और शीट दिखा रहा हूं। ओ, नहीं, ये नहीं, ये देखो, ये आप देख रहे हो इसके डी के नीचे डॉट है, तो ये धा आपका, इसको बोलेंगे नीचे वाला धा, यानी सा से नीचे। ये देखो जो भी नोट सा से नीचे है सबके ऊपर डॉट है, ध्यान से देखो, नीचे डॉट है। ओके, दिख रहा है सबको? तो इस चीज को आप समझ लो कि जब भी नीचे डॉट आएगा उसका मतलब है कि सा से नीचे वाले स्वर, और अगर ऊपर डॉट आएगा जैसे ये है तो हाई नोट्स, डॉट ऊपर मतलब हाई नोट्स, डॉट नीचे मतलब लो नोट्स। ओके, अब हम वापस आ जाते हैं अपने सॉन्ग पे। अब आप ऑफ शीट भी अपने सामने रख लो और मेरे साथ प्ले करो। पहले देखो, सबसे पहले हमको बजाना है पा मा गा, यस दैट शीट, यस। तो पहले मैं गा के आपको सुनाता हूं। तुझको मैं रख लू वहां, जहां पे कहीं है मेरा यकीन। ये सॉन्ग किस किसने सुना हुआ है? हैंड रेज, ये वाला गाना। ले जाए जाने कहां हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहां हवाएं हवाएं। ओके,
मोस्टली सभी बच्चों ने सुना हुआ है तो आप बजा पाएंगे। तेजस आपने नहीं सुना है? नो no? कोई बात नहीं, अभी सुन लो। जिसने भी नहीं सुना वो अभी सुन लो, हम गा रहे हैं, ठीक है? हमारे से बढ़िया सिंगर की आवाज आपको कहाँ मिलेगी। और चलो चलो स्टार्ट। जैसे मैं प्ले कर रहा हूं वैसे प्ले करना है। प्ले पामा गा, एवरीबॉडी विद योर राइट हैंड, राइट हैंड से प्ले करो पामा गा। देखो एक चीज आप समझो, गा जी के आगे लंबी लाइन है तो उसका मतलब है उसको होल्ड करना है, दबा के रखना है। जिस भी नोट के सामने लंबी लाइन है उसको दबा के रखना है। पामा गा, गामा गा रे, गामा गा रे। पहले गामा गा रे के लिए क्या करना होगा, पहले गा बजाना होगा, फिर मा बजाना होगा, फिर गा बजाना होगा, फिर रे बजाना होगा। गामा गा रे, एवरीबॉडी प्ले गामा गा रे, गा बजाओ, मा बजाओ, मा कौन सा है, फिर से गा बजाओ और फिर रे बजाओ। उसके बाद सा सा धा, देखो ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, सा सा धा, एस एस डी मतलब सा सा धा, धा विद अ डॉट, तो कौन सा धा बजेगा, ये सा सा धा जो लेफ्ट हैंड साइड पे धा है आपका। अब पूरी लाइन ऐसे साउंड, पूरी लाइन का साउंड ये आएगा, पा मा गा, गा मा गा रे सा सा धा, ठीक है? इसके क्या वर्ड्स हैं, मुझ तुझको मैं रख लू वहां, इतनी लाइन आपको प्ले करनी है। अभी मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं, कुछ बच्चे अभी नए हैं, कि कैसे हम किसी म्यूजिक को पढ़ते हैं। देखो आपको एक शीट दी जाएगी, जैसे ये शीट आपके पास है ना, सबके पास है ना। आपको क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे क्लास के बाद कुछ दिनों में, आपको इसको ऐसे रख लेना अपने सामने, ताकि आप बजा भी सको और उसको देख भी सको अपने सामने, ठीक है? फिर आपको देखना है कि मुझे क्या प्ले करना है। हमको प्ले करनी है फर्स्ट लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन, तो आपको ऐसे लाइन बाय लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, एक एक लाइन को प्ले करते हुए जाना है। किसी किसी लाइन के आगे आपको टू लिखा हुआ, थ्री लिखा हुआ दिखेगा, जैसे ये देखो ये टू लिखा हुआ है, तो वो पूरा सेक्शन आपको रिपीट करना होता है। टू मतलब प्ले टू टाइम्स, तो जस्ट लाइन बाय लाइन अगर आप उसको प्ले करते जाओगे ऐसे 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 ऐसे, तो सॉन्ग बजेगा, ठीक है? अब देखो मैं पूरा प्ले कर रहा हूं वन बाय वन, पामा गा, ठीक है? बज रहा है सॉन्ग, राइट? अब हम सेकंड लाइन प्रैक्टिस करते हैं। देखो सेकंड लाइन में लिखा है, जहां पे कहीं है मेरा यकी, धा धा सा, धा धा सा प्ले करेंगे सभी विद डॉट, तो ये वाला धा हो जाएगा, धा धा सा, धा धा सा, ये आपका मेन सा है, तो इससे नीचे, ये जो ये साइड होती है नीचे, ये साइड होती है ऊपर, धा धा सा। उसके बाद रे गा रे, तो रे बजाओ, गा बजाओ, रे बजाओ, रे गा रे, रे के आगे लाइन है तो उसको हम थोड़ा लंबा बजाएंगे। देखो ये देखो रे, ये आर लिखा ना, रे रे आर मतलब रे, और उसके आगे लाइन है तो उसको लंबा बजाएंगे, रे गा रे, ठीक है? उसके बाद नी नी सा, तो ये नी के नीचे भी डॉट है, तो नी नी सा, ये वाला नी होगा, डॉट वाला नी ये है। उसके बाद नी धापा, नी धापा,
अब आप अपनी शीट पे देख के वन बाय वन उसको बजाओ, सही नोट पकड़ो। और एक और मैं आपको आइडिया बताता हूँ सॉन्ग प्ले करने का। आप क्या करना कि ये दोनों शीट, ये वाली शीट सॉन्ग वाली और ये वाली शीट, दोनों साथ में रख लेना ऐसे, ताकि आपको नोट्स भी दिखते रहे। अगर आपको देखना हो ना कि डॉट वाला नी कौन सा है, तो आपको दिखेगा ये डॉट वाला नी यहाँ पे ऐसे। चलो कौन प्ले करके दिखाएंगे थोड़ा सा, आप प्रैक्टिस करो, सभी बच्चे प्रैक्टिस करें थोड़ा थोड़ा, सबसे सबने प्ले करना है, इवन एक लाइन, आधी लाइन, कुछ भी। पहले मैं आराध्या से सुनता हूँ। आराध्या बहुत जोर से हैंड रेस किया। आराध्या ने, सर क्या मैं फर्स्ट लाइन बजा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बजाओ। ओके सर। आराध्या फिर से बजाओ, आपकी आवाज नहीं आई। ओके सर। नहीं, सा सा धा तो छोड़ी दी आपने, आपने अच्छा बजाया, बट वो सा सा धा भी लिखा है, ध्यान से देखो। हाँ राइट सर, मैंने सोचा कि धा धा सा होगा वो। नहीं नहीं, जो लिखा वही सोचो, अपनी तरफ से नहीं सोचो, जो लिखा है वही सोचना है, ठीक है? वेरी गुड, शी इज प्लेइंग वेरी वेल। हु एल्स? प्रिशा, कैन यू प्ले लिटिल बिट? प्रिशा, वेयर इज प्रिशा गॉन? ये हाँ, प्रिशा अनम्यूट एंड प्ले। अभी मैं सबसे सुनूंगा, प्लीज वेट वन बाय वन। सा सा धा, हाँ थोड़ा सा उसको ठीक करो, सा सा धा को, सा सा धा। ओके सर। हाँ विहान प्लीज प्ले। अभी मैं सबसे सुनूंगा, डोंट वरी, चैटिंग में मत लिखो कुछ कुछ, सबसे सुनूंगा, आप प्रैक्टिस करते रहो, मैं सबसे सुनूंगा एक एक करके। विहान प्ले। विहान नो साउंड, योर साउंड इज नॉट कमिंग। अच्छा मेरे इधर से लग रहा है कुछ गड़बड़ है। नाउ प्ले। अभी भी साउंड नहीं आ रहा आपका, थोड़ा जोर से बजाओ। विहान आपका साउंड नहीं आ रहा है। चलो तब तक हम और कौन प्ले करेंगे, चलो जल्दी जल्दी एक एक लाइन करेंगे। अब तीशा आप प्ले करो। सो कैन आई स्टार्ट? यस। गुड 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 गुड, ओके गुड, सही है, बजा सही बजा। राइट, गिरिक अनम्यूट, बाकी बच्चे प्रैक्टिस करते रहें, एक लाइन एंड देन सेकंड लाइन। हाँ आर जी आर मत नहीं बोलना, लेकिन रेगा रे बोलना उसको, प्रैक्टिस करो रेगा रे बोलने की। सा सा धा, वेरी गुड, यस, नी नी सा नी धा पा, हाँ करेक्ट। नाउ विधि विल प्ले, विधि अनम्यूट एंड प्ले।
विधि 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 नाइशा वेट विधि अनम्यूट एंड हाँ सर आई हैव क्वेश्चन यस फर्स्ट दैट कि आपने पूरी सेकंड लाइन सुना दी है हाँ ओके इन दैट दैट दीप दी धाता सा रेप करे वो मेरे बारे फिर नी नी सा नी था पर वो नहीं आ रहा ऐसे बजाओ देखो धा धा सा रे गा रे यहाँ से शुरू करो धा धा सा रे गा रे सर सी धा धा सा रे गा आपका धा ठीक नहीं है ये धा है हाँ यस फर्स्ट लाइन बजा दो हाँ अभी आप प्रैक्टिस करो मैं सुनूंगा अभी थोड़ी देर में और कौन प्ले करेंगे तेजस से सुनते हैं तेजस अनम्यूट करेक्ट करेक्ट बिल्कुल ठीक बजाया आपने ऐसे ही जितनी भी लाइन प्रैक्टिस कर सको प्ले करो ओके विहान अनम्यूट विहान नो साउंड चलो यही वाला जो सॉन्ग है ये हम अगली क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे ठीक है आप जितना दो लाइन तीन लाइन जितनी लाइंस आप कर सकते हो आप उसको प्रैक्टिस करो आरोही अनम्यूट ठीक है ठीक है चलिए अब इस क्लास को हम यहाँ फिनिश कर रहे हैं आप सभी बच्चों को सारे गामा की प्रैक्टिस करनी है के कौन सा नोट सा है कौन सा रे है कौन सा गा है ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करते हुए करने के बाद आप ये जो सॉन्ग है इसको एक एक लाइन करके धीरे धीरे पढ़ो डीकोड करो ओके डीकोड मतलब के कौन उसको बजाओ ओके फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस एवरी डे एंजॉय योर प्रैक्टिस ओके और कुछ अगर आप कुछ कहना चाहें तो ग्रुप में लिख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिखना है ठीक है बाय बाय एवरीवन बाय सर बाय बाय हैप्पी प्रैक्टिस टू यू सी यू नेक्स्ट टाइम